हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फेस मास्क बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने दो सेम साइज का इलास्टिक लिया है, थ्रेड लिया है, नीडल लिया है और एक पेन लिया है। ये पेपर जो आप देख रहे हो, ये मैंने एक ऐसा कोई साइज़ मैंने एक पर्टिकुलर काट के दिखाया आपको। आप सिंपल ही बना सकते हो, जिसमें आपने देखा होगा जैसे लोग आजकल मास्क लगाते हैं, तो आइटम आइटम के आजकल थोड़ा मास्क आ गया है मार्केट में। तो मैंने इस शेप का आप देखो कटिंग करी है, तो ये शेप मैं बना के दिखाऊंगी आपको। मैंने जो आप ये देख रहे हो, जो मैंने कपड़ा लिया है, जो क्लॉथ है, ये कॉटन का है। आपको क्या करना है कि क्लॉथ वही लेना है, जो बेसिक चीज़ है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्लॉथ आप वही यूज़ करें, कपड़ा आप वही यूज़ करें जो कि परफेक्ट हो। जैसे कि अगर कोई भी कपड़ा है, आप उसको पहले अपने मुंह के पास लगा के कोई भी कैंडल चलाइए और उसको फूंक कर देखिए कपड़े के साथ में। और अगर कपड़े के ऊपर से वो जो फूंक है, अंदर से जो उसकी फूंक है, अगर वो कैंडल बुझा देती है, तो आप समझ जाइए कि वो परफेक्ट नहीं है। और अगर जो कपड़ा है उसके अंदर से आप फूंक मारते हैं और वो कैंडल नहीं बुझती है, आप समझ जाइए कि वो परफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वायरस, जो भी इन्फेक्टेड, जो भी कोई आदमी आपके सामने बात करता है या कुछ भी है, तो जो उसका मुंह से निकलने वाले जो कण होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए जैसे वायरस है, वो भी हवा में उड़ता हुआ उतने दूरी से आपको कैच कर सकता है। तो अगर आप बात कर रहे हो और कोई इन्फेक्टेड बंदा आपके पास में है, तो ये समझ लीजिए कि आप सिक्योर नहीं हो। तो उसके लिए मैं अभी आपका एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा दिखा रही हूँ। बेसिकली क्या है कि आपके पास में जो भी कपड़ा है, अच्छा कपड़ा या बेकार कपड़ा, रफ पड़ा होता है बहुत लोगों के घर में, जैसे ये मेरा एक, ये समझ लीजिए मैंने एक किसी चीज़ के लिए लिया हुआ था, तो उसमें का ही थोड़ा बहुत बच गया था, ये वेस्ट था। तो मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ कि इसमें कैसे बनाएंगे। लेकिन ये जो कपड़ा है वो बहुत पतला है, आपको वैसे भी देखने में भी लग रहा होगा, तो वाकई में ये पतला कपड़ा है। बट मैं सिर्फ आपको एक बना के दिखा रही हूँ कि मास्क आपको कैसे बनाना है। आप कॉटन की हैंगी का, हैंडकरचीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट पड़ी होती है लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और घर में भी बहुत सारी टी शर्ट्स होती हैं आपकी कॉटन की, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए, बेसिकली ये जो मैं सिलाई कर रही हूँ, ये सिलाई मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिससे आपको पता रहे कि जो आपकी जो नोज़ है और माउथ का जो सेंटर का एरिया है, वो यहाँ पर आएगा। ये इस तरीके से आपको स्टिच करना है और इसको हल्के हाथ से खींच लेना है आपको। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ खींच कर। ये देखिए, अब खींचने से क्या होगा, स्ट्रेच जो है अंदर की तरफ चले जाएंगे और ये प्रॉपर हो जाएगा। ये हो गया सेंटर मास्क का। तो बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि मास्क आप मार्केट से भी कोई परचेज करते हैं या घर पे आप हैंडमेड यूज़ करते हैं, तो आप प्लीज़ कैंडल को या किसी भी जलती हुई चीज़ को हल्का सा फूंक कर देखें। अगर वो फूंकने से बुझ जाता है, तो दैट मींस आपकी जो एयर है माउथ की, वो पास हो रही है सामने वाले को। तो आप प्लीज़ ऐसा मास्क यूज़ ना करें। ये मैंने चारों तरफ से सिल लिया है। सिलाई से ये हो जाएगा कि ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। और अगर कोई वैसा कपड़ा होता है कॉटन का, जैसे आप हम टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, तो उसको बगल से लोग स्टिच भी ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें खुलने का डर नहीं होता है। बट ये प्योर कॉटन है, तो ये थोड़ा सा साइड से खुल जाता है। यहाँ देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैं इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैं इसको टाक लूँगी। सिलाई हो गई दोनों तरफ की। अब सेम ऐसे ही मुझे फोल्ड करके एक सेकंड बनाना है। सेकंड पे मुझे यहाँ पर ये ऐड करना है, जो भी इलास्टिक हमने फर्स्ट टाइम सिलाई करी है वो हमें दूसरे से ऐड कर लेना है। मैं ऐड करके दिखा रही हूँ आपको, पहला हमें दूसरा भी कर लिया। ये देखिए, ये हो गया। तो अभी देखिए, ये ऐसे दिख रहा है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये बीच से बिल्कुल फैल जाएगा। ये देखिए, ये मास्क हमारा बिल्कुल रेडी है। और आगे भी मैं आपको एक आइडिया दूंगी मास्क का, वो बहुत इजी है। ये मैंने सिर्फ 5 मिनट में बनाया है। 5 मिनट में आप बताइए, 5 मिनट में क्या चीज़ बनती है। थैंक्स, बाय बाय।